पाकडी गावचे यावा सुरेश बोपी साहेब आपला सन्मान इथे आमच्या कमिटीच्या वतीने केले जाईल. मी शशिकांत कुडले यांना आमंत्रित करत आहे की वाकडी गावचे शिवसेना शाखा प्रमुख आदरणीय सुरेश बोपी साहेब यांचा आपण आपल्या पवित्र शुभा हस्ते यथोचित सन्मान करावं. तर सुरेश बोपी साहेबांना इथे सन्मानित केले जात आहे. त्याच्यानंतर संजय पाटे आले का, दुसरा कोण आहे आपलं, कोण नाही आणि इथे बघा आपण संजय पाटील देवीचा पाडा. त्याच्यानंतर विकास म्हात्रे आणि राकेश पाणेकर यांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो, यावं पुढच्या सत्राचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी. बोलूया आमचे सहकारी मित्र अमित म्हात्रे पेन जोहे. तर विचुंबे क्रिकेट संघाचे बिग सपोर्टर आपण इथे पाहतो, मुन्नाबाई सुरते, नितीन भोईर साहेब आणि विश्वास भिंगारकर क्रिकेटचा आनंद घेतात. आपलं इथे आगमन झालेलं आहे, यावं आपलं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत आहे. ओ टू अमित. धन्यवाद. कोण राहिले का आता गडगे सर? मुकाबला शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है. रोड पाळी बनाम कालोंद्रे के बीच और कामोटे टीम के लिए हमारे शायद रायगढ़ एसोसिएशन के सलाहकार और मराठी के बेहतरीन कमेंटेटर भाऊ म्हात्रे की तरफ से ढेर सारी शुभकामना. पहली गेंद पॉइंट के क्षेत्र में, ये देखिए बढ़िया रन लिया और पहला रन कंचन पालकर जी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. जिंदगी की पहली चीज है, चाहे आपका पहला प्यार हो जाए या पहला रन आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. इस बल्लेबाज देखा जाए तो शायद परेश चिकलेकर इस बल्लेबाज ने खाता ओपन किया. प्रवीण घरात इस बार शायद स्कोर पॉइंट क्षेत्र में, ओह अपील जोर की, लेकिन अंपायर इस बार देखा जाए उदय तनिल साहब जी ने कह दिया कि बल्लेबाज अपने घर के अंदर सुरक्षित पहुंच चुके. दोनों बल्लेबाजों ने अब अपना खाता ओपन किया, स्कोर पहुंच चुका दो के घर में. इथे सन्माननीय रमेश पाटील आणि प्रकाश पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे. वाकडी गावचे अनन्य व्यक्तिमत्व यावं जनार्दन म्हात्रे साहेब आपलं आम्ही या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करत आहोत. आपणास आमची विनंती असेल की आपण आमच्या अतिथी मंचवर यावं आणि आपलं स्थान इथे ग्रहण करावं. बिलकुल. तर प्रवीण घरात इनके पास टोटल बाइक देखे जाए तो 9 है. दोनों बल्लेबाज को एक एक बाइक मिल चुकी है अभी और दोनों बल्लेबाज एक जुटी के साथ एक बाइक के ऊपर स्थान. ओह क्या रे बात है यार, कमाल रिवर्सिव और बेहतरीन शानदार गेंद जमीन को गुदु गुदु करके बाउंड्री पार. अशरफ शेख और बिल्कुल देखा जाए बहुत ही हमारे कमेंट्री के फैन है और दोस्तों इस बार देखा जाए बेहतरीन मुझे लग रहा है वाकड़ी की शायद हम गांव में बहुत हमारे फैन है. बहुत शानदार क्रिकेट. यह देखिए कवर क्षेत्र में इस बार वन बाउंड के साथ गेंद को पकड़ लिया, इस बार सिंगल मिली और सिंगल के साथ देखा जाए कालोंद्र टीम का स्कोर पहुँच चुका है 7 के घर में. पूरा लेखा जोखा कांचन पालकर जी मैन फ्रॉम केवाले इनके पास है दोस्तों. अब शायद देखा जाए रायगढ़ के रॉस टेलर माने जाते हैं प्रवीण घरत. इनका बल्ला कई बार चलता है तो गेंदबाज पानी भरते हैं लेकिन ये प्रवीण घरत के लिए, ओह नहीं नहीं गलती की और खामियाजा भुगतना पड़ा प्रवीण घरत को. इस बार देखा जाए ड्रेसिंग रूम में बड़ी मछली जाल में. पहली विकेट खुद प्रवीण घरत निराश खुद पे है क्योंकि अगर प्रवीण घरत ने देखा ही नहीं गेंद दायरे के अंदर खिलाड़ी ने पकड़ ली थी. प्रवीण घरत ने
अपनी क्रीज छोड़ दी थी और आधे मैदान में वो चले गए थे, और आधे मैदान में चले जाने के बाद गेंद, इस बार फील्डर ने गेंद विकेटकीपर के पास दिए और प्रवीण गरत को पीछे मुड़ के आना बहुत कठिन था, इसलिए प्रवीण गरत अपने ड्रेसिंग रूम में गए और विकेट नंबर पहला वापस आ चुका है। लेकिन जिस बार देखा जाए रोड पर ही टीम को जिस विकेट की जरूरत थी वही विकेट ड्रेसिंग रूम में गई है दोस्तों। प्रवीण गरत व्यक्तिगत एक रन बना के आउट हो चुके और नए बल्लेबाज कंचन बलकर जी, उसके भाई शायद सनी गरत, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राइट हैंड बल्लेबाज का जब कॉम्बिनेशन मैदान के ऊपर होता है तो फील्डिंग में थोड़े से परिवर्तन होती है, लेकिन इस बार पॉइंट है, शायद देखा जाए शॉट कवर है, शॉट एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ अंदर है, शॉट थर्ड मैन है, ऑफसाइड के ऊपर है फील्डिंग की रचना, लेकिन गेंद चली गई इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। तो शायद देखा जाए इस बार शायद एक सिंगल मिल जाती और सिंगल के साथ देखा जाए टीम का स्कोर आगे पहुंचा दिया, स्कोर जा चुका कंचन बलकर जी, यानी कि 8 रन। पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है, पहले पावर प्ले में 8 रन आए, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट यानी कि इस बार देखा जाए प्रवीण गरत मैदान से बाहर गए दोस्तों। तमाम दर्शक इस मैच का गवाह है, देखिए दर्शक देखा जाए तो शायद इस नगर सेवक और विरोधी पक्षी नेते माननीय श्री प्रीतम दादा महात्रे ट्रॉफी 2019 का इस समर्थ मैदान के ऊपर, और वाकड़ी आज मुझे अमेरिका ही लग रही है, वाह चारों तरफ अंधेरा है लेकिन इस बार देखा जाए उजाला है, रात कितनी भी काली हो जाए उसमें उजाला चमक ही जाता है, छा गए। बिल्कुल हमारे कमेंट्री के लिए हमारे शायद रेवन भोपी साहब जी ने 100 रुपए का इनाम दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि हमारे महागुरु गड़गे सर, उसके बाद हमारे शायद परम मित्र मराठी का एक बुलंद आवाज सागर मडोकर, और हमें डर नहीं है, हमें डर क्यों नहीं है, हमारे इतने बॉडीगार्ड जिन्होंने अपने लेखनी के ऊपर शायद अपना कारनामा किया है, केवल गांव का ऊंचा कर दिया दोस्तों। देखा जाए शायद पालकर जी के पुत्र लगभग देखा जाए कांचन जी, तुम भी है हमारे दर्शक है। इस बार फिर से गेंदबाज राहुल भोईर, इस बार शायद देखा जाए मिड विकेट के ऊपर गेंद को खेल दिया है, इस बार सिंगल मिल जाती है और सिंगल के साथ देखा जाए तो शायद यहाँ कालुंद्र टीम का स्कोर पहुंच चुका है 8-9 ना, 9 के घर में। आजकल का जमाना अलग है दोस्तों, पहले के जमाना अलग था, पहले के जमाने का प्यार कुछ अलग था, चमचमाती ट्रॉफी, ट्रॉफी को देख के 25 जून 1983 की याद आ गई, जो क्रिकेट के पितामह कपिल देव साहब जी ने उठा दिया था लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर और वेस्ट इंडीज टीम को हमने परास्त कर दिया था। अगर वो वर्ल्ड कप जीतते नहीं तो तुम्हारा हमारा ध्यान इस क्रिकेट के ऊपर नहीं होता। ये अरे वारे वाह, पैरल छक्का, अरे कमाल क्या तेरे बल्ले में दबा रहे, ऐसी विभूति नहीं फुक मारी और छक्का। लेकिन कैमरा मैन है हमारे वो, और इस बार शायद कट कर दिया है, और इस बार पॉइंट के खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे, तब तक के लिए बल्लेबाजों ने अंकों अंकों में इशारा किया, और इशारा जब मजबूती का होता है तो वह काम बिल्कुल पूरी तरह से सफल बन जाता है, और 2 रन के साथ देखा जाए तो यह कालुंद्र टीम का स्कोर पहुंच चुका है 17 के घर में। सेकंड, और ये उड़ाया, क्षेत्र खाली है, हिंदी में इसी को कहते रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और मराठी में इसी कहते गाड़ेला जागा भरा। मुझे पहचानो कहाँ से आया। हाँ क्या सिद्धू बाजी बात है, बिल्कुल सबका मनोरंजन हो रहा है,
अमित बिल्कुल जिक्र आपका करना होगा, और मैंने बिल्कुल यहाँ पर सभी तमाम दर्शकों की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामना। बिल्कुल बस यही चाहिए, क्योंकि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। को भगवान बना देता है। तो क्या इस बार देखा है परेश चिकले कर गाड़ी चल रही है, ये रिवर्सी बैठे उंगली खड़ी, उंगली खड़ी इसका मतलब वो क्रीज छोड़ के बिग फाइट होणार आहे। तो यकीनन के साथ इस बार चार नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए प्रशांत घरत, परेश चिकलेकर व्यक्तिगत 18 रन बना के 7 गेंदों में 2 बाउंड्री, 1 छक्का और 2 सिंगल के साथ 1 डबल के साथ पारी हुई समाप्त। सबल रन मिली इस बार राहुल भोईर को 21, 2 विकेट नुकसान पे सलामीर जोड़ी ड्रेसिंग रूम में। ओ हो हो हो, एलिवेशन कम है, अरे गया। इस बार गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में गया। ये बल्लेबाज ऐसा करण मार रहा है, जब दूसरे ओवर को समाप्त कर दिया करण दिया, गेंदबाज नरम हो गया और छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। कालुंद्र टीम का स्कोर है और देखा जाए सनी और प्रशांत ये जोड़ी संभालने का प्रयास करते, लेकिन तीसरे गेंदबाज कौन होगी इस बार देखा जाए रोटपाली की तरफ से। दोनों बेहतरीन टीम है, इस शायद रजनी के लिए जब प्रीतम दादा इनके तरफ से काफ़ी आयोजन बेहतरीन किया हुआ है, उनके नाम से ये ट्रॉफी है 2019 का, और बेहतरीन तरीके से तमाम दर्शक इस मैच का गवाह है। दर्शकों से हम ये कह रहे हैं मैच जब तक अंतिम खत्म नहीं होती तब तक आप कोई भी सोने के लिए नहीं जाएगा गंजन बोलकर जी। हाँ आप रहिए, आप रहेंगे तो मज़ा होगा। लेकिन इस बार फिर से तीसरे गेंदबाज आए अनिकेत पाटिल, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सनी घरत के बल्ले से निकला हुआ यह जरूर स्ट्रोक है, गैप में गेंद को धकेल दिया है, शॉट फाइनल के खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, तब तक के लिए सिंगल मिली और सिंगल के साथ देखा जाए तो यह मंगलमूर्ति कालुंद्र टीम का स्कोर पहुंच चुका है इस बार 28 के घर में। यस, मंगलमूर्ति कालुंद्र टीम ने हमारे शायद गाउदी ट्रॉफी के लिए फर्स्ट प्राइज हासिल किया था हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज पेन के मैदान के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी टीम, धाकड़ टीम है सभी, लेकिन क्या अब प्रशांत घरत शायद एक छक्के के साथ उन्होंने शायद खुद का खाता ओपन कर दिया है। और इस बार शायद अब थोड़े से पीछे गए, गेंद को खेल दिया, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के ऊपर, गेंद को पकड़ लिया, गेंद को उठाने जा रहे हैं, तब तक के लिए सिंगल पूरी की, सिंगल के साथ देखा जाए टीम का स्कोर पहुंच चुका है इस बार देखा जाए 29 के घर में, लॉस ऑफ 2 विकेट के नुकसान पे मंगलमूर्ति कालुंद्र टीम का स्कोर है। हेलो, नावा क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि भिंगारी क्रिकेट संघाचे संघनायकाला शेवटचा पुकार, नाणेफेकीसाठी आपण व्यासपीठावर यावं। बिलकुल, हमारे महागुरु के ऊपर आप सूचना दीजिए। और ये देखिए, घुमाने का प्रयास किया था
लेकिन यहाँ कनेक्शन मजबूती का नहीं हो चुका है। अच्छी गेंद फेंकी थी इस बार गेंदबाज अनिकेत पाटिल ने। अपने कोटे की पहली पारी की यह तीसरी ओवर लेके तीन गेंद समाप्त हो चुकी है। तीन गेंदे अभी तक शेष है। नगर सेवक और विरोधी पक्ष नेते माननीय श्री प्रीतम दादा मात्रे ट्रॉफी 2019 का बेहतरीन आयोजन। और इस बार मामला बनेगा और ये क्या है, हाथ से छूट गई। तब तक के लिए बल्लेबाजों ने अंकों अंकों में इशारा लिया, दो रन पूरा कर दिया और दो रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 31-31 के घर में। पेन वरेडी से इस बार देखा जाए निवृत्ति पूरी तरह से लाइव मैच का आनंद दे रहे हैं। हम इस बार शायद हमारे कालोंद्री कप्तान को सूचना दीजिए कि आप थोड़े से शांत रहिए ड्रेसिंग रूम में। कुणाल नायक भिंगारी के आइए, नावा के कप्तान आ चुके इस बार संभाल के विकेट कीपर। ओ भैया तू बचपन में थोड़ा सा कंचवे कम, अरे यार तुझे क्या जरूरत थी वो प्रॉपिंग किट छोड़ने की, हुआ ना घाटा मुझे लग रहा है यार, नहीं लगाया। अरे लेग बाई का इशारा अंपायर उदय तांडेल जी साहब जी का कहना है। दोनों अंपायर हमारे अंपायरों ने शायद क्रिकेट खेला हुआ है। दोनों अंपायर ऐसे हैं भैया जी, सभी ध्यान में रखी है सभी। उन्होंने इस बार उदय तांडेल साहब जी ने इतना क्रिकेट खेला अपनी जिंदगी क्रिकेट के दाव के ऊपर लगा दिया, लेकिन आज दोनों अंपायर हेडमास्टर खड़े इस खिलाड़ी के पास। शॉर्ट पिच टप्पा घुमाने का प्रयास, लेकिन इस बार देखा जाए तो ये गेंदबाज ने यहाँ अनिकेत पाटिल की गेंदबाजी कांचन पालकर की देखिए कितनी पहनी गेंदबाजी साबित हो चुकी है। टीम का स्कोर है 32। हेलो नाणेफेकीसाठी नवा क्रिकेट संघ वैष्णव भोईर आणि भिंगारी क्रिकेट संघ रघु परदेशी आपला एक प्रतिनिधी नाणेफेकीसाठी यायचा बघा, लगेच तो नाणेफेक केली जाईल। इथे मान्यवरांना आपण सन्मानित करूया, मान्यवरांचा सन्मान इथे आमच्या गावदेवी क्रिकेट कमिटीच्या वतीने केला जात आहे। सन्माननीय श्री नाना पाटील वाकडी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच, त्यांना गावदेवी क्रिकेट कमिटीच्या वतीने इथे सन्मानित केले जात आहे। शशिकांत खुटले यांच्या शुभ हस्ते, नाना पाटील नाही कुठे नाना पण नाही। त्याच्यानंतर बबन वाघ साहेब नामदेव मस्कर माजी सरपंच वाकडी यांना इथे सन्मानित केले जात आहे। आमचे परम मित्र क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजक शशिकांत खुटले यांच्या शुभ हस्ते। त्याच्यानंतर लघु वाघ आपण याच्या आहे, लघु वाघ यांचं स्वागत करण्यासाठी मी रमेश पवार यांना आमंत्रित करतो की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा आपण यथोचित सन्मान करावं। त्याच्यानंतर विष्णू चोरगे यांना इथे सन्मानित केले जात आहे। सुकेश भोपी आपल्या शुभ हस्ते, विष्णू चोरगे यांचा आपण इथे सन्मान करावं। त्याच्यानंतर यशवंत वाघ यांना इथे सन्मानित करावं। यशवंत मोरे व्यासपीठावर उपस्थित आहेत, त्यांना इथे सन्मानित केले जात आहे, त्यांना सन्मानित केले जात आहे गावदेवी क्रिकेट संघ वाकडी यांच्या वतीने। ओटू रोशन, ओटू अमित, 32 स्कोर। और ये अपील की ही थी लेकिन गेंद चली गई। इस बार देखा जाए तो शायद और ये मामला बनेगा, लेकिन इस बार उंगली खड़ी और विकेट नंबर यहाँ लगभग देखा जाए तीसरा वापस आ रहा है और टीम का स्कोर देखा जाए 33 तीन विकेट के नुकसान पे। त्याच्यानंतर सन्माननीय नंदकुमार पाटील माजी उपसरपंच वाकडी यांना इथे सन्मानित केले जात आहे। रमेश पवार यांच्या शुभ हस्ते। त्याच्यानंतर गणपत पवार, मी सुकेश बोपे यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करतो की आपले शुभ हस्ते गणपत पवार यांना आपण इथे सन्मानित करावं। त्याच्यानंतर नामदेव खुटले प्रकाश पाटील जनार्दन म्हात्रे या त्रिबिनी संगमला गावदेवी क्रिकेट संघ वाकडी क्रिकेट संघातील आमच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून शुभ हस्ते त्यांचा यथोचित इथे गौरव केला जात आहे। त्याच्यानंतर सन्माननीय रमेश पाटील पद्मकर मस्कर आणि रामदास जमदाडे या त्रिबेणी संघांचा सन्मान गावदेवी क्रिकेट संघ वाकडी क्रिकेट संघातील सहकाऱ्यांच्या वतीने इथे केला जात आहे। एकदम तीन तीन
और ये इस बार देखा जाए उड़ाने का प्रयास किया है और ये देखिए बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा पेश। तब तक के लिए ओहो मामला, लेकिन बल्लेबाज अपने घर के अंदर सुरक्षित, यहाँ कोई हानि नहीं हो चुकी है और दो रन के साथ देखा जाए स्कोर पहुंच चुका है 36। अनिरुद्ध ठाकुर अपने कोटे की पहली पारी की चौथी ओवर लेके स्कोर पहुंच चुका है 35। राउंड विकेट, हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया है लेकिन इस बार गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन के ऊपर। खराब फील्डिंग या मामला और इस बार देखा जाए विकेट मैदान से वापस आती हुई और टीम का स्कोर देखा जाए 36 और विकेट मैदान से बाहर जा चुके यहाँ 4। शुभम शुभम धन्यवाद। मंगल मूर्ति कालंद्री टीम का स्कोर पहुंच चुका है इस बार देखा जाए तो शायद 36 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी इस बार रोडपाली की तरफ से, अनिरुद्ध ठाकुर को इस्तेमाल किया है। अच्छी गेंदबाजी चल रही लेकिन जहां जब परेश चिकनेकर खेल रहा था तब स्कोर बोर्ड हिलता डुलता था लेकिन इस बार देखा जाए उनकी विकेट जाने के बाद शायद, और इस बार जरूर खेल दिया है और ये नो बॉल का इशारा आया है यानी कि इस बार गेंद बाउंड्री के नजदीक। तब तक के लिए बल्लेबाजों ने अंक अंकों में इशारा किया और दो रन के साथ इस बार नो बॉल भी आया है तो फ्री हिट है अगली गेंद। बल्लेबाज इस गेंद के ऊपर आजाद है, बल्लेबाज के लिए एक सुनहरा मौका है। क्या इस गेंद का अगले गेंद का वो फ्री हिट का फायदा उठाएंगे बल्लेबाज जो स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं आकाश गिरी। उनतालीस स्कोर हो चुका है इस बार मंगल मूर्ति कालंद्री टीम का स्कोर और एक बार फिर से गोली की रफ्तार से गेंद गई इस बार स्क्वायर लेग क्षेत्र में, सिंगल मिली और सिंगल के साथ देखा जाए मंगल मूर्ति कालंद्री टीम का स्कोर पहुंच चुका है 40 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी चल रही इस बार देखा जाए, दूसरा ओवर जब महंगा गया था लेकिन तीसरे ओवर में उस ओवर की भरपाई निकाली। चौथे ओवर को जब शुरुआत हो गई इस बार देखा जाए अनिरुद्ध ठाकुर की तो अच्छी गेंदबाजी साबित हुई। हेलो वैष्णव भोईर आपला आगमन झालेले रोडपाली क्रिकेट त्याच्यानंतर भिंगारी क्रिकेट संघ रघुपरदेश आपला एक प्रतिनिधी पाठवायचा आहे नाणेफेकीसाठी। हो अच्छी गेंद, क्या गेंद फेंकी थी, ऐसी गेंद जब फेंकते हैं गेंदबाज तो बल्लेबाज को थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो जाती है। नीचे वाली गेंद थी, बल्लेबाज ने प्रयास किया था लेकिन असफल बने। आखिरी गेंद शेष है राउंड विकेट और आखिरी गेंद के ऊपर लगभग देखा जाए ऑन ड्राई कर दिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई है। तब तक के लिए सिंगल मिली और सिंगल के साथ देखा जाए तो मंगल मूर्ति कालंद्री टीम का स्कोर पहुंच चुका है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन शायद यहाँ देखा जाए तो 4 विकेट के नुकसान पे। हाँ सर आदेश मस्कर याला व्यासपीठावर यांना आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे, आदेश यावं आपण व्यासपीठावर। तर नाणेफेक केली जाईल बघा, वैष्णव भोईर इथे उपस्थित आहे, त्याच्यानंतर भिंगारी क्रिकेट संघ कुणाल नाईक आपल्या एका प्रतिनिधी आहेत, बघा शेवटचा पुकार असेल तुम्हाला नाणेफेकीसाठी। तर याच दरम्यान खूप साऱ्या प्रेक्षकांची उपस्थिती, अनेक तरुण वर्ग अनेक युवा वर्ग सुद्धा इथे उपस्थित झाले आहेत आणि असेच आपण पाहतोय काही तरुण आहेत इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक लोकप्रिय असलेले आणि ज्यांचे खूप चांगले फॉलोअर्स आहेत असे आदि गावच्या बाबा किंग ज्यांची ओळख येतो आशु शेळके आदि आणि त्यांची संपूर्ण टीम इथे उपस्थित झाले। इंस्टाग्रामवर लोकप्रिय असलेली ही संपूर्ण टीम दीपेश शेळके, दिव्या शेळके, जयेश खांडे आदि आणि त्यांच्या समवेत फ्लेमिंगो बाउन्सरच्या योगेश धोत्रे ज्यांचं वजन आहे 106 किलो आणि उंची 6.5 फूट हे सुद्धा इथे उपस्थित झाले, त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत। ये रनआउट का मौका, बल्लेबाज इस बार देखा जाए मंगल मंत्री कालंद्रे के ये बल्लेबाज वापस आ चुके।
बिल्कुल डीजे धन्यवाद। तो योगेश धोत्रे है, इनका वजन है मुझे लग रहा है 106 किलो और 6 पॉइंट लगभग देखा है 5 उनकी हाइट है। तो मुझे लग रहा है कि योगेश जी आपका शायद वजन होगा, लेकिन कांचन पालकर जी का वजन है तराजू में तोल के देखा ना, तुम नीचे जाएंगे। इस बार हमारे सामने भी खली है यार। हाइट के बारे में मुझे लगता है शायद। तो बिल्कुल योगेश धोत्रे, इन्हें हम आमंत्रण करने जाते हैं कि आप मंच के ऊपर आइए। सभी आइए, दीपेश शेल के, आशुष शेल के, दिवेश शेल के, जयेश खांडे और ये अशु बाबा किंग, बाबा किंग अशु, आप आइए, आपका स्वागत है दोस्तों। बस यही रखिए, मुझे लग रहा है वो जमाने का गाना आपको मालूम है ना, तू चल मैं आया, आया राम गया राम, मंगल मूर्ति कालुंद्र टीम की परिस्थिति। तो यकीनन के साथ नए बल्लेबाज जा रहे हैं, एक रन बना के वापस आ चुके इस बार बल्लेबाज राकेश। आकाश गिरी ने शायद 5 गेंदों में 6 रन इकट्ठा किया। नए बल्लेबाज दिनेश कोनकर, अनिकेत पाटिल इस बार देखा जाए, बैट का इशारा इस बार तांडेल साहब जी की तरफ से, और इस एक रन के साथ स्कोर जाता है 42 के घर में। हेलो हेलो हेलो, प्रवीण जगदाल इस बार स्ट्राइक के ऊपर है। मुझे लग रहा है कि शायद एक लंबे टाइम के बाद ना बाउंड्री आई ना छक्का आया, उर्द विकेट। ये देखिए जोर से घुमाया बल्ला, लेकिन गेंद और बल्ले का यहाँ संपर्क नहीं हो चुका है। गुड लेंथ एरिया में गेंद को फेंकने के बाद बल्लेबाजों ने ऑनसाइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, और जब धीमा गति का स्कोर बनने जा रहा है, क्रिकेट में मजा होना चाहिए, इसीलिए दोस्तों ध्यान में रखिए अपना लोहा गर्म करना चाहिए। मंगलमूर्ति कालुंद्र टीम का स्कोर है 42। छह विकेट बाहर गए। ये देखिए क्या गेंद फेंकी है यार, सही ठिकाने में गेंद को फेंक दिया। और ये जब ऐसी गेंद सागर जी आगे जाती है ना, बल्लेबाज शायद ऐसा कौन सा भी प्रयोग कर सकते हैं, वो असफल बन जाती है। ऐसी गेंद फेंकी इसने, वाह। हेलो, तर भिंगारी विपक्ष नावा क्रिकेट संघा दरमियान अपन नाणेफेक करू। गेंदबाजी के लिए तैयार। ये देखिए इस बार गेंद को उड़ाया, हवा में जरूर है, डाउन द फील्डर, बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। ये गणेश मात्र सा गणेश खड़ू साहेब अपना समझे विनंती असेल की आपले शुभास ते नवा विपक्ष भिंगारी क्रिकेट संघाच्या दरम्यान नाणेफेक करायची आहे। बिग फाइट आपण पाहणार आहोत। सामना 5 षटकांचा असेल आणि स्पर्धेचा नियम कंपल्सरी चेसिंग। हो टू अमित, बिल्कुल धन्यवाद। 42 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पे। एक शायद परेश चिखलेकर को छोड़ दिया जाए तो ऐसे बल्लेबाज इतने मजबूती के नई बल्लेबाजी चली, 6-7-6-1-1 ऐसी बल्लेबाजी चली। 42 स्कोर बन चुका है। ये देखिए घुमाने का प्रयास, और इसी के साथ देखा जाए तो ये इनिंग समाप्त हो चुकी है। अच्छी गेंदबाजी शायद या अनिकेत पाटिल की, पहला ओवर जबरदस्त साबित हुआ, उसके बाद दूसरा ओवर महंगा साबित, तीसरे ओवर में अनिकेत पाटिल ने 5 रन दिए, उसके बाद चौथे ओवर में शायद अनिरुद्ध ठाकुर ने 9 रन दिए, और फिर अनिकेत पाटिल आए, उन्होंने शायद 1 रन दिए और वहां एक सफलता हासिल किया। यानी कि ये ओवर अनिकेत पाटिल का काफी दमदार ओवर साबित हो चुका है रोड पाली के लिए, और टीम का स्कोर पहुंच चुका है 42। जीतने के लिए मंगल मूर्ति कालुंद्र टीम को चाहिए 43 रन। हेलो, इथे नाणेफेक केली जात आहे। सन्माननीय माजी नगरसेवक आणि पनवेल महानगरपालिका शेतकरी कामगार पक्षाचे चिटणीस आदरणीय गणेश कडू साहेबांच्या शुभास्ते भिंगारी विपक्ष नावा एका बाजूला आपण पाहणार आहोत। हॅलो, तर नाणेफेक संपन्न झाली आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकतोय।
नामा संघ यानंतर होणारी पुढची लढत आपल्याला पुन्हा एकदा पाहायला मिळणार आहे. तर नीरज नानावत सर उदय तांडे दोन पंच सज्ज असतील. तर लढत आपण पाहतोय त्या काळुंद्रे संघाविरुद्ध आपण सामना पाहतोय रोडपाली. तर रोडपाली संघाला टार्गेट आहे 43. एम डी सर मागचा सामना आपण पाहिला 53 धावा आणि 12 चेंडूमध्ये 10 धावेची गरज होती आणि तो सामना जिंकून दिला सुलक्षणच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा कामोटे संघानं. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी या स्पर्धेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज मात्र या आजच्या रात्रीमध्ये 10 संघ पाहायला मिळतील आणि त्यांचा चांगला क्रिकेट सुद्धा क्रिकेट रसिकांना पाहायला मिळणार आहे. तर सन्मान्य मान्यवरांना सन्मानित करूया आपण खूप साऱ्या मान्यवरांची उपस्थिती. हा व्यासपीठावर इथे आपण पाहतो श्रीराम क्रिकेट संघ चिंचवलीचे व्यवस्थापक बालरामभाऊ पाटील, त्याच्यानंतर दिनेश शेठ करमेलकर, पांडुरंग पाटील खानाव यांचं इथे व्यासपीठावर आगमन. आपलं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करत आहोत. हॅलो, तर चला खेळाडूंना विनंती आहे आपण सामना सुरू करायचंय. हा सन्माननीय गणेश कडू साहेब या क्रिकेट स्पर्धेचा निरोप घेत असताना आपण या क्रिकेट स्पर्धेसाठी आवर्जून उपस्थित राहिलं. हा मेगा फिनालेसाठी तुमचा निश्चित स्वरूपात उपस्थिती आम्हाला इथे उपलब्ध होणार आहे. आपला आम्ही आभार व्यक्त करतो आयोजन कमिटीच्या वतीने. तर सामना सुरू करायचा विनंती असेल क्षेत्रक्षण सजवा काळुंद्रे संघाला ही विनंती आहे. 5 षटकांचा या दुसऱ्या अंकाला सुरुवात होईल आणि 43 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. तर पुढच्या सामन्याचं धावतं वर्णन ऐकवतील आमचे महागुरु एम डी गडगे सर यांच्याकडे आम्ही वळणार आहोत आणि त्यानंतर पुढची लढत आणखीन एक सामना आपण पहिल्या फेरीतील चौथा सामना पाहणार आहोत. हा धन्यवाद सागर मंडोकर. तो दोस्तों चलते इस मैदान के ऊपर. बिल्कुल इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये दूसरा मैच खेला जा रहा है. बिल्कुल एक ताकतवर मुकाबला दोनों टीमों के बीच में खेला जा रहा है. एक तरफ हम देख रहे निश्चित रूप से मंगल मूर्ति कालुंद्रे, तो एक तरफ हम देख रहे एक ताकतवर टीम यानी कि रोडपाली क्रिकेट टीम के बीच में ये मैच खेला जा रहा है. हालांकि रोडपाली क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए कालुंद्रे क्रिकेट टीम को आमंत्रित किया था और कालुंद्रे क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में यानी कि 42 रन ठोककर 43 यानी कि 43 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है प्रति ओवर 8.60 की औसत से. तर व्यासपीठावर रेवण सिद्दीकी, त्याच्यानंतर शिवा कौटिकी आणि शिवा अक्कलकोट यांचं आगमन झालेलं आहे. या क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजक आदरणीय श्री नामदेश्वर जमदाडे साहेबांच्या वतीने आपल्याला व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. या व्यासपीठावर आपलं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत आहे. हॅलो, आरंभिक बल्लेबाज रोडपाली क्रिकेट टीम के आरंभिक बल्लेबाज हम देख रहे स्ट्राइकर बल्लेबाज परेश करके, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज बबुल और कालुंद्रे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से अपने निजी पहली और टीम की ओर से पहले ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए गेंदबाज तैयार आकाश गिरी. एक ओवर में 5 विकेट अर्जित करने का इस सीजन में गेंदबाज के नाम पर रिकॉर्ड है दोस्तों. और आकाश गिरी गेंदबाजी के लिए तैयार. वगड़ी पैवेलियन एंड से, चिंचवली पैवेलियन एंड से मारा करने के लिए आकाश गिरी तैयार. और दी विकेट, अच्छी गेंद थी, थोड़ा उछाल था. इस बार गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज डीप स्पेले क्षेत्र में गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन जहां खेलना चाहते थे गेंद वहां पर नहीं गई. एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, एक सफल गेंद की समाप्ति. गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से आकाश गिरी तैयार. सामना करेंगे बल्लेबाज परेश कड़के, मैन इन फॉर्म बल्लेबाज है, एक धाकड़ बल्लेबाज माना जाता है धुआंधार बल्लेबाजी के लिए. ये देखिए शानदार गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी, परेश को रफ्तार से बीट किया, रफ्तार वाली गेंद थी और इसी के साथ एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. लगातार दो गेंदे डॉट खेल चुके परेश करके जैसे धाकड़ बल्लेबाज. और रोडपाल 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो परेश करके सबसे मैन इन फॉर्म बल्लेबाज है. 2018-2019 का यदि इस मौसम का विचार विमर्श करे तो यह बल्लेबाजों ने सबको प्रभावित किया है. तो एक तरफ हम देख रहे जोशीली गेंदबाजी के लिए मशहूर है मंगल मूर्ति कालुंद्रे क्रिकेट टीम के आरंभिक गेंदबाज आकाश गिरी. लंबे कद के गेंदबाज है, काफी तेज ताकतवर ऑलराउंडर माने जाते हैं, लेकिन देखना एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार और दी विकेट आकाश गिरी.
ये गेंद हवा में जरूर है, स्ट्रोक में एलिवेशन कम, डाउन द फील्डर आउट होने की संभावना, और इसी के साथ बिग विकेट, जिस विकेट के लिए जाल बिछा था वो बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। डीजे मास्टर, और जिस विकेट के लिए जाल बिछा था, जिस विकेट की आवश्यकता थी, वो बल्लेबाज मैन इन फॉर्म बल्लेबाज, सबसे घातक बल्लेबाज परेश कड़के के पारी का अंत होता हुआ, शून्य पर आउट होकर परेश कड़के यहां पर आउट होकर पहले में लौट रहा, और ये बड़ी सफलता होगी मंगल मूर्ति इलेवन कालुंद्र क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से। और परेश आउट होने के बाद मैदान के अंदर जाते हुए टीम के सबसे अहम खिलाड़ी सागर पाटिल, ना स्ट्राइकर बल्लेबाज, स्ट्राइकर बल्लेबाज हम देख रहे हैं, बबुल सामना करेंगे यहाँ पर गेंदबाज, निश्चित रूप से गेंदबाज हम देख रहे हैं आकाश गिरी, आकाश गिरी रफ्तार के काफी तेज गेंदबाज है, राइट हम ओवर द विकेट, इस बार गेंद हवा में है, एक बार फिर से मौका बन सकता है, और इसी के साथ दूसरा बल्लेबाज शून्य पर, बबुल के पारी का अंत, अभी भी रुका हुआ स्कोर है रोडपाल इलेवन क्रिकेट टीम का, दो विकेटों के नुकसान पे शून्य शून्य। डीजे मास्टर ये है बिल्कुल दोस्तों, धुंधरे की पहचान नहीं तो एनडी ग्रुप से मेरे धुंधरे की साउंड सिस्टम की सबसे बड़ी पहचान, यानी कि दो बल्लेबाज टपके गए शून्य पर, पहला विकेट का पतन होता फॉलो अप फर्स्ट विकेट विदाउट स्कोर इलेवन क्रिकेट टीम, फॉलो अप सेकंड विकेट विदाउट स्कोर, यानी कि चार गेंदे फेंक चुके आकाश गिरी, पहली गेंद डॉट पे की, दूसरी गेंद डॉट पे की, तीसरी गेंद के ऊपर विकेट, चौथे गेंद के ऊपर ऑन ए हैट्रिक, हैट्रिक का मौका इस गेंद के ऊपर, यहाँ पर विकेट चकमाते तो बिल्कुल हैट्रिक बनाने का मौका है, गिरी ऑन ए हैट्रिक, ये देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी, जाजीपुल नजर गेंदबाजी, अंपायर तंडेल सर इशारा करते हुए, यानी कि 22 का अतिरिक्त रन के मदद से रोडपाल इलेवन क्रिकेट टीम अपना खाता खोलती हुई, इससे एक रन के मदद से रोडपाल इलेवन क्रिकेट टीम के रन संख्या बन चुकी है एक, दो विकेट खोने के बाद एक, बिल्कुल, और ये गेंद डॉट फेंकते है तो बिल्कुल मिडन ऑल डालने का गौरव बिल्कुल ये गेंदबाज हासिल कर सकते हैं, हालांकि एक गेंद निश्चित रूप से एक रन अतिरिक्त रन बिल्कुल टीम के खाते में गेंदबाजी के लिए, ये देखिए जोरदार तालियां दोस्तों इस गेंदबाज के लिए, ये प्रतियोगिता के पहले गेंदबाज बन चुके हैं कि गेंदबाज ने बिल्कुल मिडन ऑल फेंकने का गौरव हासिल किया, गौरव प्राप्त किया है, ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद रोडपाल इलेवन क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है दो विकेट खोने के बाद एक। तर आकाश गिरीसाठी ते सन्माननीय स्वप्नील जाधव यांच्या वतीने 500 रुपयाचा पारितोषिक जमा झालेला आहे, निर्धावन षटक फेकण्याची किमया या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने करण्यात आलेली आहे, आकाश गिरी तुझा गावदेवी क्रिकेट संघ वाकडी यांच्या वतीने मनपूर्वक इथे आम्ही अभिनंदन करतो। तो ओवर की समाप्ति हो चुके, हमारे साथी स्कोरर कांचन पालकर हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए कि कालुंद्रे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से आकाश गिरी ने काफी शानदार गेंदबाजी की, आकाश गिरी का गेंदबाजी का जो विश्लेषण रहा इस ओवर में बिल्कुल अतिरिक्त रन के रूप में बिल्कुल एक रन बटोर लिया, लेकिन आकाश गिरी की बात करें क्या कमाल की गेंदबाजी, हाँ आकाश गिरी के लिए एक स्वर्ण मौका है तो कैच लपकते तो बिल्कुल स्वप्निल जाधव इनके ओर से 500 रुपए का इनाम होगा, हालांकि मानो लग रहा है कि उनके फेवरेट खिलाड़ी है, दुर्बली चोट से गेंदबाजी में तब्दीली, उपस्थित सर्व प्रेक्षक क्रिकेट मैदान बाहर जे क्रिकेट चा आनंद घेतात त्या क्रिकेट प्रेक्षकांचा आम्ही मनपूर्वक इथे आभार आणि स्वागत करतो। त्याचबरोबर क्रिकेट स्पर्धा 183 देशांमध्ये लाईव्ह प्रसारण करण्यात आलेले आहे, सायब्रिजची संपूर्ण टीम आमची इथे सज्ज झालेली आहे, गेंदबाजी केली, गेंदबाज तयार, ने गेंदबाज
प्रवीण, ये देखिए रफ्तार के सौदागर, यॉर्कर गेंती, यॉर्कर स्विंगिंग यॉर्कर, बल्लेबाज सागर पाटिल बैक टू द पैवेलियन। और इसी के साथ शून्य पर तीसरा बल्लेबाज, पहला बल्लेबाज आउट हुआ था निश्चित रूप से परेश करके शून्य पर, उसके बाद में बबुल शून्य पर और सागर भी शून्य पर लौट रहे हैं। अशरफ आप अशरफ शेख खरे अर्थाने तुमसा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करूँ, तुमच्या माध्यमातून सुद्धा खास म्हणून खास एक चांगला योगदान प्राप्त, स्वागत है आपला। तीसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ शून्य पर दोस्तों, और तीनों बल्लेबाज की यदि कांचन पालकर बात करें सबसे घातक बल्लेबाज माने जाते हैं परेश करके, उसके बाद में बबुल एक भरोसेमंद बल्लेबाज, सागर के ऊपर भी टीम हमेशा डिपेंड करती है। आप बिल्कुल नैया होगी शशि और लकान, शशि ज्यादा बिग हिटर बल्लेबाज, हिटमैन माना जाता है, मिडल ऑर्डर का ए मैच फिनिशर भी कहा जाता है, और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हम देख रहे हैं बेहतर ऑलराउंडर लकन भोईर, गेंदबाजी के लिए रफ्तार के सौदागर यहां पर प्रवीण जगदाले। और विकेट लाउड अपील, चौथा विकेट, बिग विकेट, बड़ा विकेट सोचते में ये चौथा विकेट गिरता हुआ अभी भी रुकावट स्कोर है रोडपाली क्रिकेट टीम का, चार विकेट खोने के बाद एक। मास्टर यहाँ पर निश्चित रूप से प्रवीण जगदाले के लिए भी हैट्रिक का मौका है, जो मौका गवाया था निश्चित रूप से पहले स्पेल में जब गेंदबाजी के लिए आए थे, यहाँ पर आकाश गिरी ने क्या कमाल दिखाई थी और उसी तरह की गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई, गेंदबाजी में वेरिएशन नजर आ रही है, सटीक गेंदबाजी लेंथ लाइन और दिशा के साथ यहाँ पर नियंत्रण रखते हुए है, शानदार गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी। सागर आउट होने के बाद यहाँ पर निश्चित रूप से शशि यादव आउट होने के बाद मैदान के अंदर जाते हुए नए बल्लेबाज रितेश भोईर। रितेश बिल्कुल क्या मैच है दोस्तों, मानो लग रहा था 43 रन से रोडपाली क्रिकेट टीम के लिए बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन रोडपाली क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है, लेंथ लाइन ऑर्डर हैट्रिक ऑन हैट्रिक, ये पुश करने की कोशिश, अंपायर की उंगली आसमान में, और तीसरा विकेट लगातार तीन गेंदों के ऊपर, पहली हैट्रिक इस प्रतियोगिता की, प्रवीण के नाम जोरदार तालियां प्रवीण के लिए, पांच बल्लेबाज शून्य पर। डीजे मास्टर क्या कांचन पालकर बहुत बड़ी यहाँ पर आप दूर दूर जाते हैं स्कोरिंग के लिए। सागर मनोकर मेरे हिसाब से टेनिस विश्व में 2018-2019 के यदि पर्व की यदि बात करें तो पहली मर्तबा इस तरह का कारनामा हुआ है कि पांच भरोसेमंद बल्लेबाज शून्य पर आउट होकर पहले में लौट चुके। सागर या बदल अपन का प्रतिक्रिया देऊ शकल? निश्चित एमडी सर, जो काळुंद्रे संघ खेलते जो कालच बेलपाडा ठिकाणी डे ची स्पर्धा झाली तिथे सुद्धा हा संघ चॅम्पियन ठरला, आणि काळुंद्रे संघाने या वर्षीचा संपूर्ण हंगाम हे आपल्या गोलंदाजच्या जोरावर जिंकवलेत, आणि पुन्हा एकदा त्यांची ती दहशत या सामन्यामध्ये पाहायला मिळते। इथे सन्माननीय संजय कोलके साहेबांचं आगमन, स्वर्गीय साहेबांचं आगमन झालेलं आहे, मनपूर्वक स्वागत। चौथी गेंद फेकने के तैयार नए बल्लेबाज राहुल, ये देखिए वाइड गेंद करार, गेंदबाज अपने दिशा में भटकते हुई है, अभी भी रुका हुआ यहाँ पर निश्चित रूप से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ रोडपाली क्रिकेट टीम का, यानी कि पांच विकेट खोने के बाद दो दो रन से बल्ले से नहीं तो अतिरिक्त रूप में रन बटोर चुके हैं। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से गेंदबाज रफ्तार के सौदागर, सबसे तेज तरार गेंदबाज प्रवीण जगदाले गेंदबाजी के लिए तैयार। प्रवीण लेफ्ट हैंड राउंड विकेट, ये देखिए क्लीन बॉल, लगातार चार गेंदों के ऊपर चार विकेट अर्जित किए गेंदबाज ने, और यहां पर छठा विकेट यानी कि शून्य पर आउट होकर पहले में लौट रहे या डेंजर बॉलर नी, या डेंजर बॉलर नी, अशी बुद्धि लढवली या फेमस बैटमन की कशी दांडी सुडवली।
तर खेळाडू आपण पाहतोय प्रवीण जगदाळे यांच्यासाठी गजानन गरज साहेब जे प्रवीण गरज यांचे काका आहेत त्यांच्याकडून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज झालंय प्रवीण जगदाळेच्या या गोलंदाजच्या कामगिरीसाठी. बिलकुल यहां पर सागर यदि बात करे छह बल्लेबाज आज आउट होकर रोडपाली क्रिकेट टीम के यहाँ पर इतिहास में मेरे हिसाब से ये पहला कारनामा हो चुका है. छह बल्लेबाज यानी पांच बल्लेबाज तो निश्चित रूप से शून्य पर आउट होकर पहले में लौटे थे. वो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज थे. राहुल भी शून्य पर आउट होकर पहले में लौटे और चार गेंदों के ऊपर ये चार बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया. प्रवीण क्या मौका एक बार फिर से प्रवीण राउंड विकेट बल्लेबाज के लिए. ये देखिए इस बार गेंदबाज में आ रहे मौका बन सकता है. लगातार पांच गेंदों के ऊपर पांच बल्लेबाज को शून्य पर रास्ता दिखाया. क्या कारनामा किया है और इसी के साथ यहां पर सातवां विकेट मैदान से बाहर. यहाँ पर हम देख रहे दोस्तों ये सातवां बल्लेबाज शून्य पर आउट होकर पहले में लौट रहे आने के शून्य पर क्या कारनामा हुआ है. और यहाँ पर प्रवीण जगदाळे के लिए एक स्वर्ण मौका है. अंतिम गेंद के ऊपर यदि विकेट चकमाते हैं तो 2018-2019 टेनिस विश्व के बिल्कुल एकमात्र लौते गेंदबाज एक अकेले गेंदबाज ऐसे बनेंगे कि जिस गेंदबाज ने छह गेंदों के ऊपर छह बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया. आकाश गिरी साठी झेल साठी स्वप्निल जाधव यांच्या वतीने 1000 रुपयाचा पारितोषिक असेल. हे मौका आहे बिलकुल. जोरदार तालिया अंतिम गेंद केले दोस्तो. एक जबरदस्त मुकाबला. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार. यहाँ पर प्रवीण और सामना करेंगे बल्लेबाज प्रमोद लोनकर. नैया बीज भवर में सात बल्लेबाज शून्य पर मौका और मौके को बिल्कुल उन्होंने बनाने का मौका नहीं दिया. और इसी के साथ ओवर की समाप्ति. एक सफल ओवर की समाप्ति. दो ओवर की समाप्ति के बाद रोडपाली क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है सात विकेट खोने के बाद दो. अतिशय सुरेख मित्रांनो धून वाजवली या क्रिकेट स्पर्धेचे सर्वे सर्व नामदेवशेठ जमदाडे साहेबांच्या ही नावाची धून आपण ऐकली क्रिकेट स्पर्धेला व्यासपीठावर. मित्रांनो ज्यांना क्रिकेटचा क्रिकेटला आपला धर्म म्हणणारे पनवेल तालुक्यातले एकमेव असे व्यक्तिमत्व खऱ्या अर्थाने बालाराम पाटील साहेब चिंचवली यांना आपण पाहतो. त्याच्यानंतर दिनेश्वर करमेलकर चिंचवली रघुनाथ गायकवाड साहेब वाकडी अजय फडके पुरोग्रामी युवक संघटना नेरे विभाग अध्यक्ष पांडुरंग पाटील साहेब खानाव यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक आपलं आम्ही स्वागत करू आणि या गोलंदाजाचं एक कौतुक करावं लागेल. कांचन पालकर आमच्याकडे माहिती देतात या पर प्रवीण जगदाळे ने क्या कमाल की गेंदबाजी की. दोन रन देकर पांच बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया. दूरवाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन तब्दीली. आकाश गिरी अपनी निजी पहली और दूसरी और टीम की ओर से निश्चित रूप से टीम की ओर से तीसरी ओवर की पहली गेंद इस बार गेंद को खेला है. शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात. जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास छोर बदलने का मौका मिला और इसे एक रन के मदद से लखन भोईर ने अपने पारी की शुरुआत की. अपना खाता खोला. टीम का स्कोर पहुंचा दिया तीन पर. अभी भी रुका हुआ स्कोर है रोडपाली 11 क्रिकेट टीम का. सात विकेट खोने के बाद तीन. सात बल्लेबाज शून्य पर आउट होकर पहले में लौट चुके हैं. इथे रोहन भोईर धाकटी जुई उराड यांच्या वतीने क्रिकेट स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यात आलेल्या आहेत. स्वागत आहे आपलं. आकाश गिरी ओर दी विकेट. लोकेश के लिए ये देखिए क्या रफ्तार वाली गेंदबाजी हो रही है. निश्चित रूप से जोशीली गेंदबाजी हो रही है. लेंथ लाइन दिशा के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हुए गेंदबाज और विपक्षी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज को जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाती है रोडपाली क्रिकेट टीम. रोडपाली क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को सात बल्लेबाज को शून्य पर रास्ता दिखाया. गेंद ऑफ स्टंप के कभी बार अंपायर तांडेल सर का इशारा आता हुआ. गेंद थोड़ी बाउंस थी. इशारा देते हुए गेंदबाज को अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी. इसे एक अतिरिक्त रन के मदद से रोडपाली 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई सात विकेट खोने के बाद चार जीत के लिए 43 रनों का लक्ष्य है. एक बार फिर से ये देखिए गेंद हवा में जरूर है. इस बार उड़ाया
और गेंद एक अच्छा प्रांस किया था, गेंद गई दर्शकों को सलामी देता हुआ दनदनाता हुआ सिक्सर। अरे आकाश तुटतो पक्षांचा थवा, अख्ख्या महाराष्ट्रात फक्त मंदाबाईची छावा। डीजे मास्टर और इसी चरण के मदद से रोडपाली 11 क्रिकेट टीम कम बैक करती हुई छलांग लगाता हुआ स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पे 10 रन और गेंदों के बीच में अभी भी समीकरण है, यानी कि 33 रन चाहिए जीत के लिए। आकाश ये देखिए जोरदार अपील, अंपायर तांडेल सर की उंगली आसमान में, 8वां करारा झटका नैया बीज भवर में, अभी भी रुका हुआ स्कोर है रोडपाली 11 क्रिकेट टीम का 8 विकेट खोने के बाद 10। थैंक यू आमचे साईप्रीजचे कॅमेरामन आहेत, त्या कॅमेरामनच्या खाली जे प्रेक्षक आहेत तिथे आपण त्यांना कुठलाही अडथळा निर्माण करू नका ही आपल्याला विनंती। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सागर मंडोकर यदि बात करें रोडपाली क्रिकेट टीम का 8वां बल्लेबाज, यानी कि जिस बल्लेबाज ने छक्के के साथ अपने पारी की आगाज किया था भव्य स्वागत किया था, यानी कि जादीपुल नजर के अंदाज से स्ट्रोक को खेला था, मानो लग रहा था कि यह बल्लेबाज अपने टीम के लिए योगदान देगा, लेकिन उसके बाद में वो बल्लेबाज आउट होकर पैड में लौटे। अभी भी जीत के लिए यानी कि 33 रनों की आवश्यकता, नए बल्लेबाज हम देख रहे, नए बल्लेबाज अनिरुद्ध ठाकुर। ये देखिए हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, गेंद गई सिलिमिड ऑफ के रिजर्व में, फील्डर वहां पर तैनात, जब तक गेंद उठाए फील करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास छोर बदलने का मौका मिला। इसी एक रन के मदद से अनिरुद्ध ने अपना खाता खोला, टीम का रन संख्या आगे बढ़ती हुई 11 पर, अभी भी जीत के लिए 32 रनों की आवश्यकता है। इस तीसरी ओवर आरंभ भी बिल्कुल तीसरी ओवर जारी है, गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से एक आक्रामक गेंदबाज है, जिस गेंदबाज ने पहले ओवर में काफी अटैक किया था विपक्षी क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों के ऊपर, रोडपाली क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ाई थी, मिडल ओवर फेंकने का गौरव भी प्राप्त किया था इस गेंदबाज ने। और द विकेट, और ये गेंद जारी है डीप स्वेल सीमा रेखा के बाहर, दनदनाता हुआ सिक्सर। संख्या आगे बढ़ती हुई, यानी कि 17 जीत के लिए गेंदे बचे और की समाप्ति 12 गेंदे बचे और जीत के लिए निश्चित रूप से कांचन पालकर हमें जानकारी जरूर देंगे। 26 रनों की आवश्यकता। कालुंद्री क्रिकेट संघाला रोहन भोईर धाकटी धुई नाइट स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक, त्याच्यानंतर समाधान पाटील दिगोडे आणि राकेश चिरलेकर धाकटी धुई यांच्या वतीने शुभेच्छा देण्यात आलेले स्वागत आहे आपलं। बघा पंच इशारा करतात धावा आणि चंडूंचं समीकरण, मित्रांनो इथे आपण पाहतो 12 चंडू आणि जिंकण्यासाठी रोडपाली क्रिकेट संघाला 26 धावांची गरज, 12 गेंदे जीत के लिए 26 रनों की आवश्यकता। लेकिन जहां तक सवाल है सबसे अनुभवी खिलाड़ी है लखन भोईर मैदान में, अभी भी मैच का नक्शा दोस्तों क्रिकेट खेल में जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट के बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और इस ओवर की यदि बात करें तो इस ओवर में काफी थोड़े महंगे गेंदबाज साबित हुई है, यहाँ पर आकाश गिरी इस ओवर में 15 रन खर्च के एक बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया, रन और गेंदों के बीच में समीकरण हम देख रहे हैं, 12 गेंदे बची है और रोडपाली क्रिकेट टीम को जीत के लिए 26 रनों की आवश्यकता। ये कौन आता था बारह गेंदे बची आज जीत के लिए 26 रनों की आवश्यकता, बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज तैयार अनिरुद्ध। ये देखिए जोरदार अपील हुई थी, लाउड अपील, मौका बन सकता था और अंपायर की मौका बना, अंपायर की उंगलियां आसमान में, 9वां विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ रोडपाली क्रिकेट टीम का अभी भी रुका हुआ स्कोर है 9 विकेट खोने के बाद 17।
डीजे मास्टर रोडपली 11 क्रिकेट टीम की शुरुआत काफी दयनीय शुरुआत, हालांकि वहां से अभी तक उभरी नहीं है, काफी दबाव बनाया रोडपली 11 क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। मंगलमूर्ति कालुंद्री क्रिकेट टीम के गेंदबाजों ने, और वो दबाव अब तक कायम है, यानी कि दुर्बल चोट से एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार है गेंदबाज प्रवीण। अंतिम जोड़ी मैदान में, प्रवीण घरात बाइकर मैन माना जाता है दोस्तों, कालुंद्री क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा बाइक गाड़ी जिसके नौ बाइक गाड़ी जिस खिलाड़ियों के नाम है वो है प्रवीण घरात। टीम के सबसे एम खिलाड़ी माना जाता है रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के रॉस टेलर को कौन भूलेगा, उनकी स्टाइल उसी तरह की बल्लेबाजी की, जो न्यूजीलैंड का सबसे सलामी मिडल ऑर्डर का सबसे बेहतर बल्लेबाज माना जाता है, और ये लोकल रॉस टेलर गेंदबाजी के लिए तैयार। ये देखिए इस बार गेंद को पुश किया मिडन के बिल्कुल फॉलो थ्रू के डिजाइन में गिर जाती हुई, एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं, एक से काम नहीं बनने वाला है, इसी एक रन की मदद से रोडपली 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 9 विकेट खोने के बाद 18। अभी रन और गेंदों के बीच में समीकरण हम देख रहे हैं, यानी कि गेंदें बची है 10 और जीत के लिए 25 रनों की आवश्यकता। एक तरफा मुकाबला दोस्तों इस तरह का बिल्कुल, और इस तरह के जब मैच अब अभी तक मैच है अंतिम, बिल्कुल जब तक गेंद फेंकी नहीं जाती क्रिकेट के बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हालांकि लखन भुईर एक धाकड़ बल्लेबाज है, बलिराम पाटिल साहेब चिंसवले यांच्या वतीने आमच्या समालोचन ग्रुप साठी 200 रुपयाचा पारितोषिक, आपलं मनपूर्वक आम्ही ते आभार व्यक्त करतो। बिल्कुल एक डॉट गेंद की समाप्ति, हमारे बिल्कुल यहाँ पर आयोजन कमेटी मेंबर से अति जमदारे एक धाकड़ बल्लेबाज माना जाता है कवदीप विभागड़ी क्रिकेट टीम का। ये देखिए क्लीन बॉल, और इसी के साथ रोडपाली 11 क्रिकेट टीम परास्त, ऑल आउट, यानी कि 18 रन के भीतर एक बड़ा से यहाँ पर निश्चित रूप से एक बड़ा झटका मिला रोडपाली क्रिकेट टीम को, और ये मैच में निश्चित रूप से कालुंद्री क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की है। कालुंद्री क्रिकेट टीम के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आणि रोडपाली क्रिकेट संघाने या सामन्यामध्ये खरी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला, रोडपाली क्रिकेट संघाचा आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो। गावदेवी वागडी क्रिकेट संघाचे लाइनअप करायचे बघा, कालुंद्री क्रिकेट संघ लाइनअप करूनच याचे आहे इथे मान्यवरांचं आगमन होत आहे मित्रांनो।